नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि SSC JEE का दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ चुका है, जो कि 1324 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर दोस्तों डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर देखिए, जो ऑब्जेक्टिव सेंटर .in ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप लोग इस पर आइएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको मिल जाएगा SSC JEE रिक्रूटमेंट 2023। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं SSC JEE वैकेंसी 2023। यहाँ पर जब आप लोग लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे तो SSC JEE वैकेंसी 2023 इस सेक्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका दोस्तों ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आप लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं और यहाँ से अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, अब इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता दूँ तो देखिए, ये जो नोटिस जारी किया गया है दोस्तों, आपका 26 जुलाई 2023 को जारी किया गया है, कल के डेट में जारी किया गया है। और इसमें जो JEE का पद है दोस्तों, वह आपका दोस्तों सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए निकाला गया है। आपका दोस्तों 26/7/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट है और 16 अगस्त 2023 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और जो आपका लास्ट डेट है रिसिप्ट का ऑनलाइन निकालने का, वो है आपका 16 अगस्त 2023, ठीक, रात को 11 बजे तक। और ये देखिए, करेक्शन का जो डेट है दोस्तों और ऑनलाइन पेमेंट जो करेक्शन चार्ज है दोस्तों, ये सब आप लोग 17/8/2023 और 18/8/2023 को आप लोग अपना कर सकते हैं, लास्ट डेट है। और देखिए, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो पेपर 1 होगा, अक्टूबर 2023 में आपको कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों का यहाँ पर ग्रुप B की ये नौकरी है दोस्तों, जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 6 का यहाँ पर है, देख सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। यहाँ पर 7th सेंट्रल पे कमीशन के तहत है। ठीक, और देखिए यहाँ पर दोस्तों, जो आपको अपने इसकी गणना करनी है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वह 16/8/2023 के आधार पर करना है। और एज की जो गणना करनी है वह आपको 1/8/2023, यानी कि देखिए पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसकी गणना 16/8/2023 के आधार पर होगा। और एज का क्वालिफिकेशन जो है, आप जो गणना करने करेंगे एज के लिए, वह 1/8/2023 के आधार पर करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन JEE में दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों, यहाँ पर है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। और देखिए JEE का यहाँ पर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ऐसे यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर पोस्ट हैं, जो कि दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 431 पोस्ट है। ठीक, और यहाँ पर देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेल कैंडिडेट के लिए 55 सीट है, और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 194 है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 124 है, सेंट्रल वाटर कमीशन में यहाँ पर देखिए 188 है, और यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन में 23 सीट है। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे और भी सारे यहाँ पर पोस्ट हैं, जो कि अगर देखा जाए टोटल, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 1324 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव सेंटर, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जो पेपर होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 पेपर कराया जाएगा, जो कि देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो आपको अपने इसकी गणना करनी है 1/8/2023 के आधार पर करना है। ठीक, और देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर कि फॉर द पोस्ट ऑफ जिसका कि एज लिमिट दोस्तों 30 साल है, उनको दोस्तों डेट ऑफ बर्थ 1/2/1993 से 1/8/2005 के बीच में होना चाहिए। ठीक, और देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज जिनका कि 32 साल पर एज लिमिट है, उनका डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 2/8/1991 से 1/8/2005 के बीच में होना चाहिए। बाकी छूट लेना चाहते हैं तो SC ST वालों को 5 साल का छूट, OBC वालों को 3 साल का छूट, PWD अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 10 साल का, PWD OBC वालों को 13 साल का, PWD SC ST को 15 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर का। यहाँ पर ये सब जो डिटेल दिया गया आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग दोस्तों कहेंगे तो इसका जो सिलेबस का वीडियो है उसको हम अलग से प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम सिलेबस को नहीं कवर करेंगे। और देखिए, आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पर बताया गया, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। अलग अलग स्टेट के लिए अपना अलग अलग यहाँ पर सेंटर बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2, आपका पेपर कराया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पेपर एज
इंडिकेटेड बिलो पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में दोस्तों यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का आएगा 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन। पार्ट वन जो रहेगा ये आपका सिविल का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का हो सकता है। 100 नंबर का आपका पेपर कराया जाएगा, 2 घंटे का यहाँ पर आपका पेपर कराया जाएगा पेपर। और जो पार्ट टू रहेगा दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि पार्ट ए जो रहेगा आपका जनरल इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का या स्ट्रक्चरल का है, या फिर पार्ट बी जनरल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, या फिर पार्ट सी जनरल इंजीनियर मैकेनिकल का। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ये 300/100 यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक, और 3-3 नंबर का रहेगा ये। 2 घंटे का आपको समय इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए कह रहा कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट द जनरल इंजीनियरिंग पार्ट ए और पार्ट बी एंड पार्ट सी इन पेपर वन एंड पेपर सेकंड विच हैज बीन सिलेक्टेड बाय देम ऑन द बेसिस देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक। और पेपर और पेपर सेकंड विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट अप बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री ऑफ पेपर वन एंड पेपर थ्री। नो यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क अलॉटेड टू द क्वेश्चन, ठीक। यानी कि यहाँ पर 1/3 का आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा पेपर वन पेपर टू में। और देखिए यहाँ पर ऐसा आपका है दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए आपका जो ये है आपका फीस उसके बारे में क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर की समृद्ध यानी कि अगर आप लोग देखिए टेंटेटिव आंसर की पेपर और पेपर टू विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट एंड काम कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट में गो थ्रू द आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन टाइम लिमिट गिवन बाई कमीशन ऑन पेमेंट। यानी कि 100 रुपये दे करके आप लोग दोस्तों आप लोग इसमें जो रिवाइज है ये आप सब नॉन रिफंडेबल है 100 रुपये, आप लोग मैटर रिसीव थ्रू एनी अदर ये आप देख सकते हैं। अब बाकी यहाँ पर सिलेबस के बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा यहाँ पर दिया गया है सब कुछ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो फार्म है दोस्तों फार्म भरने के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए, ठीक। यहाँ पर आपको मिल जाएगा SSC JEE वैकेंसी 2023, यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ से फार्म भर लीजिएगा। टेलीग्राम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से दोस्तों टेलीग्राम सर्च करिएगा, यहाँ पर आपका टेलीग्राम आ जाएगा, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर ये सब कुछ मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट से भी आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।